The moment Advocate Nair contacted me to be a part of this event, I instantly said yes to it. I am myself an enthusiastic cyclist. I think some of you may have seen me cycling around the Bambolim area. So I am very happy that that you all have taken this initiative to travel across the coast. I think it's a great initiative, and the agenda points that you mentioned are truly very noble. They are very nice. I think it will go on. आज जो ये साइकिल एक्सपीडिशन शुरू हुआ वो हमारे वेटरन ही थे, ये जो मिस्टर तांबे हैं ये नेवी से रिटायर हुए हैं, और हम जिस ब्रांच में काम करते थे, जो हमने कोर्स किया 4 साल, उसी में से ये आए हैं। हमारी जो संस्था है वो वेटरन सोल्जर एसोसिएशन गोवा में रजिस्टर्ड है, और हमारी संस्था का मेन काम क्या है, जितने भी वेटरन्स हैं ऑल ओवर गोवा, कहीं पे भी वहाँ हम पहुँचते हैं, उनकी तकलीफ होती है, जो भी उनको डे टू डे प्रॉब्लम है वो हम अपनी तरफ से डिपार्टमेंट की हेल्प लेके, राज्य सैनिक बोर्ड से टाई अप करके हम वहाँ पहुँचते हैं और उनकी मदद करते हैं। ये हमारी संस्था के सेक्रेटरी हैं श्री प्रवीण चौधरी जी, वेरी एनर्जेटिक। कॉलेजेस में जाके हम लेक्चर देते हैं आपका डिफेंस में कैरियर कैसा होना चाहिए। तो ये जो मिस्टर तांबे ने शुरू किया है, जो इनका फर्स्ट लैग जब गोवा में ख़त्म हुआ था तब वो वास्को में आए थे, हमने उनको वास्को में रिसीव किया था फ्लैग अफसर गोवा के साथ। आज ये यहाँ से फ्लैग ऑफ हुआ है। मैं अपनी पूरी संस्था के सब मेंबर की तरफ से मिस्टर तांबे और उनकी टीम को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, और चाहता हूँ ऐसे ही ये लोगों को मोटिवेट करते रहें।